कोरोना और लॉकडाउन से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भले ही सरकार कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन की छूट दे रखी है, लेकिन अभी तक धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को बंद रखे हुए हैं। कोरोना के नाम पर मंदिर बंद होने से भिखारियों को दान दक्षिणा तक नसीब नहीं हो रही है। मंदिर के कपाट बंद होने से कईयों की जिंदगी तंग हो गई है। मंदिर से जुड़े लोग फाकाकशी में दिन काटने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित वो भिखारी हो रहे हैं जो सीधे तौर पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की दान दक्षिणा पर निर्भर रहते हैं। कुछ यही हाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की है। राजगीर के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों को बंद रहने की वजह से उन लोगों की रोजी रोटी पर खतरा पिछले एक साल से मंडरा रहा है। सिर्फ राजगीर के पंडित पुजारी ही नहीं, बल्कि राजगीर के विभिन्न स्थलों पर भीख मांगकर गुजारा करने वाले भिखारियों की भी जिंदगी तंग है। बिना दान के मजबूर भिखारियों को सूखी रोटी पर भी आफत है। सरकार यह समझने में भूल कर रही कि मंदिर और पर्यटन स्थल सिर्फ पूजा अर्चना, घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इनके खुले रहने से कई परिवारों का गुजारा होता है। लेकिन वे सभी पिछले साल से बुरी तरह प्रभावित हैं। राजगीर के विभिन्न मंदिरों और पर्यटन स्थलों के पास सालों भर भिखारियों का यूं तो जमावड़ा लगा रहता, लेकिन ब्रह्मकुंड के पास पुल पर भिखारियों का एक जत्था इस उम्मीद में बैठी हुई है कि शायद कोई पर्यटक भूले भटके यहाँ आ जाए और उन्हें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। राजगीर के भिखारियों का जीवन अभी भी लॉकडाउन के उहापोह में गुजर रही है। कब कोरोना महामारी खत्म हो और उनका जीवन खुशहाली की पटरी पर आ सके। राजगीर से नालंदा दर्पण के लिए देखिए नीरज कुमार की यह वीडियो रिपोर्ट। क्या दिक्कत है आपका? हमारा दिक्कत है कि हमको खाने का साधन नहीं है, हमको रहने का साधन नहीं है, हमको झोपड़ी है, सड़क पर रहते हैं। पर्यटक आ रहे हैं राजगीर में? पर्यटक यही है, गवर्नमेंट यही है। पर्यटक आ रहा है, विदेशी आते हैं? हाँ, विदेशी आता था, अब नहीं आता है, हम लोग मर रहे हैं। किस कारण से नहीं आ रहा? अब लॉकडाउन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए बीमारी के वजह से नहीं आ रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख रहती आजकल, सड़क पर वो रहते हैं। हम लोग कोई रहने का साधन नहीं, आता था भोजन मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता है। तो पर्यटक नहीं आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो विदेशी में कैसे मांगते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग? चप्पा बाबा हमको दीजिए, माँ बाबा दीजिए। अच्छा, विदेशी बोलने के लिए जानते हैं थोड़ा बहुत? जानते। कैसे मांगते हैं जो बताइए? चप्पा बाबा हमको दीजिए, महारानी रानी माँ महारानी दीजिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? लक्ष्मी रहते हैं डालुआ में, बाजार। ठीक, पर्यटक राजगीर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। कुछ नहीं विदेशी पर्यटक? कुछ भी नहीं। तो आप लोग कैसे, भोजन हो रहा है आप लोग का? खाना बंद? पर्यटक आता था तो हम लोग। तब विदेशी में कैसे मांगते हैं आप लोग, बोल के क्या बोलते हैं? आमी टोपो, आमी टोपो, आमी टोपो, आमी टोपो। अच्छा, तो बहुत दिक्कत है आप लोग में? नहीं, बहुत दिक्कत है। वेरी वेरी सुपर माइन है। क्या है? सुपर माइन है, वेरी वेरी सुपर माइन, वेरी वेरी पुअर माइन। हाँ, क्या बोले? सुपर माइन। अच्छा, सुपर माइन। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दशरथ माही। और उनका? उर्मिला देवी। मैंने टूरिस्ट का आगमन कम है, इसीलिए आप लोग को बहुत काफी दिक्कत है ना? हाँ, बहुत। हाँ, क्या आप लोग है, आप लोग यहाँ पुल पे रहते हैं? तो आप लोग मांगते हैं? तो पर्यटक तो आ नहीं रहा है, तो क्या पर्यटक आ रहा है राजगीर में? तो विदेशी फॉरनर पर्यटक नहीं आ रहे हैं राजगीर में अभी? तो लॉकडाउन से क्या मतलब दिक्कत है आप लोग को? हम लोग भूखल रहता है, मिलो रोटी भात तो खाए, विदेशी आवल। अच्छा, उससे मैंने विदेशी आते थे, तो आप लोग कैसे मांगते थे विदेशी से? विदेशी से महारानी 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 महारानी। अच्छा, वो कौन है वो उधर बैठे हुए जो? वो
अरे आपके कौन लगते हैं? हमको आदमी है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हुआ आपको? हम लोग को दिक्कत वही, खाना पीना नहीं मिलता, और क्या कहें, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो विदेशी नहीं आ रहा है पर्यटक अभी? नहीं भाई, लॉकडाउन लगा ले तो कहाँ से आएगा। तो विदेशी में कैसे मांगते थे बोल के, बोलने आता है? हम लोग वही मांगते हैं, अभी तो अम्बिलान। क्या उनका नाम हुआ? हाँ, अब आपका? अच्छा, सब आप लोग का बच्चा है सब है? Thank you.